अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही इजी आलू की टिक्कियां, एंड इट लिटरली हैज़ थ्री इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आलू ले लेने हैं, मैंने अबाउट 6 to 7 लिए थे, और उनको आपने मैश कर लेना। मैश आपने इतना ज़्यादा नहीं करना कि बिल्कुल मैश पोटैटो जैसा बन जाए, थोड़े थोड़े से लम्स इसमें होने चाहिए, और आप जितना इसे मैश कर सकते हैं करें, बट अगेन लम्स थोड़े से छोड़ के। फिर आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, देख लें अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक, वरना और मैश करते हैं, लेकिन अगेन लम्स छोड़ने हैं थोड़े से। एंड दीज आर सो यमी एंड दे लिटरली हैव थ्री इंग्रेडिएंट्स, फोर अगर आप ऑयल को भी काउंट करते हैं तो। और ये आप घर में बनाएं तो बहुत पसंद आएगी सबको। तो इसमें जो हमारा एक इंग्रेडिएंट जा रहा है वो है नमक। इट इज़ ओनली 1 teaspoon एंड 1 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर। आप टेस्ट कर लें इस स्टेज पे, और आपको अगर नमक कम ज़्यादा लगे तो आप एडजस्ट कर लें उस हिसाब से। अगर मसाला आपको तेज़ चाहिए तो आप वो डाल लें। लाइक स्पाइस जो है वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। मैं जस्ट आपको मेथड बता रही हूँ, ये रेसिपी आपने जितनी नमक और मिर्च डाली है वो सब आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद बस आपने इनकी वो शेप बना के तो रखते जाना है। दिस लिटरली टुक मी लाइक 30 मिनट्स, जो कि आप लोगों को 2 सेकंड में सारे नज़र आ गए, बन गए, रेडी हैं। और मैंने अबाउट 7 to 8 आलू लिए थे, जिनकी आई डोंट नो लाइक काफ़ी बन गई थी, एंड यू कैन फ्रीज दिस एज वेल। और इसके बाद इनकी ये ख़ास बात है कि इन पे कोई कोटिंग नहीं होती, कोई आपको एग वॉश लगाने की, कोई ब्रेड क्रम्स लगाने की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आपने एक तवा ले लेना है नॉन स्टिक, उसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल आपने हल्का सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और देखिए जिस तरह मैं नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, उसके बाद मैं उन्हें स्लाइड करके साइड पर कर रही हूँ। आपने भी आलू को अपने कटलेस को यूज़ करना है, टिक्कियों को, कटलेस को, जो भी आप कहना चाहें। उसके बाद बस फिर जब आपको लगे कि अब थोड़ा सा नीचे से ब्राउन हो गया, तब आपने इसको इसकी साइड पर लेटी है। बार बार आपने इसे मिक्स नहीं करना वरना प्रॉब्लम होगी। और जब आपको लगे कि अब परफेक्ट कलर आ गया तो आप इसे फिर उतार लें। एंड थोड़ा सा आपको पेशेंट होना पड़ेगा क्योंकि इसमें कलर आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब सेम है वो आपने मीडियम टू लो रखनी है। एंड देन दे विल बी रेडी, सर्व देम विद चटनी, प्याज एंड तंदूरी रोटी। एंड एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।